welcome student today we will study about an autobiography of our former president and great scientist dr abj abdul Kalam this lesson is extracted from his autobiography wings of fire the lesson is from your textbook beehives सो लेटस मूव टू समरी ऑफ दिस लेसन दिस लेसन टेल्स एस अबाउट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम्स चाइल्डहुड। हुड यानी इस लेसन के थ्रू हम अब्दुल कलाम के बचपन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे वह वर्ल्ड के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे ऑल ओवर वर्ल्ड में और इंडिया में मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं उनके फादर का नाम जैन था और उनकी मदर का नाम आशी अम्मा था वह 1931 में मद्रास स्टेट के यानी जिसे अब चेन्नई नाम से जाना जाता है वहाँ पर रामेश्वरम नाम के एक स्थान पर पैदा हुए थे क्योंकि उनके फादर की ना तो कोई फॉर्मल ज़्यादा एजुकेशन थी वो ज़्यादा शिक्षित थे और ना ही ज़्यादा रिच थे लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जेनरस थे बहुत दयालु थे बहुत काइंड थे और सज्जन थे कई लोग जो आउटसाइड के थे उनके घर के बाहर के लोग थे वो भी प्रतिदिन उनके यहाँ खाना खाने के लिए आते थे और उनके साथ खाना खाते थे अब्दुल कलाम के तीन सिस्टर्स थी सॉरी तीन ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी और वो अपने एक पुराने यानी ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस जो उनके पूर्वजों का घर था उसमें रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ यह एक बड़ा पक्का घर था और यह रामेश्वरम की मॉस के स्ट्रीट में यानी मस्जिद वाली गली में स्थित था अब्दुल कलाम जब केवल आठ वर्ष के वर थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय युद्ध प्रारंभ होगा हुआ और यह हुआ नाइनटीन को अचानक मार्केट में उन्हें याद आता है कि टैमरिन सीड यानी जो इमली के बीज हैं उनकी डिमांड बढ़ गई तो अब्दुल कलाम उन सीड्स को कलेक्ट किया करते थे और उन्हें मार्केट में बेचा करते थे तब उनके एक कजिन थे शमसुद्दीन वह उस टाइम पर न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया करते थे वितरित करने का काम किया करते थे और उन्होंने अब्दुल कलाम से बोला कि वो भी उन्हें हेल्प करे तो इसलिए अब्दुल कलाम तैयार हो गए और अपने कजिन शमसुद्दीन के साथ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करने लगे इस तरीके से न्यूज़पेपर बेच करके उन्होंने अपने लाइफ की पहली वेज यानी पहली मजदूरी या पहली अर्निंग प्राप्त की जब अब्दुल कलाम स्कूल में गए तो वहाँ पर उन्होंने टीचर्स को बहुत प्रभावित किया क्योंकि वो काफ़ी प्रतिभावान थे काफ़ी टैलेंटेड थे तो उसके माता पिता भी यह इस बात को जानते थे कि वो काफ़ी टैलेंटेड उसके कुछ फ्रेंड कुछ टीचर्स ने भी उन्हें काफ़ी इम्प्रेस किया प्रभावित किया वह रामेश्वरम में ही एक प्रारंभिक विद्यालय की कक्षा पाँचवीं में जब पढ़ते थे तो उनके स्कूल में एक नए टीचर आए अब्दुल अपने जो फ्रेंड थे जो बहुत क्लोज फ्रेंड थे घनिष्ठ फ्रेंड थे जिन्होंने रा, रामानंद शास्त्री प्रमुख हुआ करते थे उनके साथ पहली पंक्ति में बैठा करते थे जब नए टीचर ने यह देखा चूँकि नए टीचर एक हिंदू पुजारी के पुत्र के साथ उसे बैठा हुआ देखा उन्होंने आ, और उसे यह उन्हें यह बात सहन नहीं हुई कि एक जो हिंदू पुजारी का पुत्र था वह एक मुस्लिम बॉय के साथ यानी अब्दुल कलाम के साथ बैठे थे क्योंकि उस समय की सोसाइटी इन इन टर्म्स ऑफ ये जो सोशल वैरियर थे इसमें काफ़ी टफ थी काफ़ी रिजिड थी तो इसलिए यह छुआछूत यह भेदभाव वहाँ पूरे समाज में व्याप्त था इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम से पीछे वाली पंक्ति में बैठने के लिए कहा लेकिन टीचर्स के इस कार्य से वो बड़े दुखी हुए और ऐसे रामानंद शास्त्री भी काफी दुखी थे पिछली पंक्ति में जाते हुए अब्दुल कलाम ने देखा कि रामानंद शास्त्री रो रहे थे इस बात का अब्दुल कलाम पर बड़ा प्रभाव पड़ा बाद में रामानंद शास्त्री ने के पिता ने उस टीचर्स को बुलाया और उसने उसे बच्चों के बीच जो ये सामाजिक विभाजन था सोशल डिस्क्रिमिनेशन था उस उसे न फैलाने के लिए कहा और उस टीचर से कहा कि वो अपने इस कार्य के लिए माफ़ी मांगे क्योंकि उस समय समाज में कई जाति भेदभाव व्याप्त था यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था इसलिए उनके एक टीचर थे जिनका नाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था वो एक हाई कास्ट ब्राह्मण होने के बावजूद भी इस जो जाति प्रथा थी इसको ख़त्म करना चाहते थे परंतु उनकी जो वाइफ थी वो बड़े पुराने बड़े कंजर्वेटिव विचारों की थी एक दिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने इस डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने के लिए अब्दुल को अपने घर में भोजन करने का निमंत्रण दिया क्योंकि वो इन सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयास कर रहे थे लेकिन उनकी पत्नी ने अब्दुल को अपनी रसोई में खाना परोसने से इनकार कर दिया इस पर शिवा सुब्रमण्यम ने अपने हाथों से अब्दुल को खाना परोसा उनके साथ बैठे और अपना भी खाना उन्होंने खाया और फिर दोबारा से अब्दुल से कहा कि इस वीक के एंड में वो दोबारा से उनके घर में खाना खाने आए उन्हें यह विश्वास था कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और अपनी पत्नी को भी वो मोटिवेट करके इस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए तैयार कर लेगी कर लेंगे इस समय उनकी पत्नी खुद अब्दुल को अपनी रसोई में लेगी और उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खाया अब्दुल कलाम चूंकि एक ग्रेट साइंटिस्ट ही नहीं थे बल्कि बचपन से ही उनके अंदर कई ऐसे ह्यूमन जो वैल्यूज़ थे जो गुण थे वो इनहेरिटेड थे अपने माता पिता से उन्हें मिला हुआ था वो सब चीज़ें अपने पिता से उन्हें ईमानदारी मिली हुई थी आत्मसंयम मिला हुआ था जब अब्दुल कलाम बड़े हो गए तो वो अपनी पढ़ाई के लिए रामान्थमपुरम एक स्थान है वहाँ जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने फादर से इसकी परमिशन मांगी हालांकि उनके पिता ने उन्हें परमिशन दे दी जाने की जो कि उनकी मदर बड़ी इमोशनल थी इसलिए वह थोड़ा हिचकिचाई लेकिन उनके फादर ने उन्हें भी इस उन्हें जाने के लिए तैयार कर लिया जब अब्दुल कलाम रामानाथमपुरम की ओर जाने लगे अपनी पढ़ाई करने के लिए तो उनकी मदर बहुत भावुक थी बहुत इमोशनल थी तो उनके पिता को लगा कि कहीं अब्दुल कलाम अपनी मदर को देख करके अपना निर्णय वापस ना लें तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें बड़ा होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्या सीगल बर्ड सीगल पक्षी बिना परिवार के अकेले ही सूर्य के उस पार नहीं उड़ती उन्होंने दुविधा में कन्फ्यूजन में पड़ी आ, उनकी मदर को अब्दुल कलाम की मदर को खलील जिब्रान का एक उदाहरण सुनाया उन्होंने कहा कि खलील जिब्रान का उदाहरण सुनाते हुए कहा कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे बच्चे नहीं हैं वे जीवन की अभिलाषा स्वयं के पुत्र और पुत्रिया हैं। ये तुम्हारे द्वारा आए हैं परंतु वे तुमसे नहीं हैं। तुम उनको अपना प्यार दे सकती हो परंतु अपने विचार नहीं क्योंकि उनके अपने विचार हैं तो इस तरीके से उनका उदाहरण सुनाते हुए मदर को तैयार किया कि उनको अपने बच्चों को यदि अच्छी शिक्षा देनी है तो उन्हें बाहर ही भेजना पड़ेगा इस प्रकार यहाँ से उनकी अब्दुल कलाम की एक नई जर्नी प्रारंभ होती है तो यह इस लेसन की समरी थी आपको और बेहतर इसको समझने के लिए इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किए हैं आपको इन्हें देखना होगा और आपको ताकि यह लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इस स्लाइड में आपके लिए और तीन क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप इस लेसन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट दिया है एक पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं आपको इस पैसेज को देखते हुए इन क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो इनका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द ऑथर बॉर्न लेखक कहाँ पैदा हुए आप इस पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए सेकेंड क्वेश्चन वट डू यू नो अबाउट द ऑथर्स फादर आप लेखक के पिता के बारे में क्या जानते हैं थर्ड क्वेश्चन व्हाट क्वालिटीज डिड हिज फादर पैसे उनके पिता के पास कौन से गुण थे नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द ऑथर्स मदर ऑथर की माँ कौन थी व्हाट वर हर क्वालिटीज और उसकी क्या विशेषताएं थी क्या उसमें गुण थे लास्ट क्वेश्चन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इन बॉर्न कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है इनबॉर्न इन जन्म जात तो यहाँ पर एक वर्ड आपके पास आएगा इनेट तो वो इनेट जो वर्ड है उसका मतलब है वर्ड वीडियो की लास्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए हैं आप लेसन को पढ़ेंगे और इनका आंसर देंगे क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज हुसुद्दीन शमसुद्दीन कौन थे हाउ डिड द राइटर हेल्प हिम और उन्होंने राइटर ये ए पी जे अब्दुल कलाम की हेल्प कैसे की सेकेंड क्वेश्चन वेर वर द बंडल्स ऑफ न्यूज पेपर थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन यानी मूविंग ट्रेन से चलती हुई रेलगाड़ी से न्यूज़ पेपर्स के बंडल कहाँ पर फेंके जाते थे थर्ड क्वेश्चन हु वर द राइटर्स थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन द चाइल्ड हुड बचपन में राइटर के ए पी जे अब्दुल कलाम के तीन गहरे दोस्त कौन थे क्लोज फ्रेंड कौन थे क्वेश्चन नंबर फोर हुब्रमण्यम सुबा शिवा सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे एंड द लास्ट क्वेश्चन वट डिड द राइटर सीक हिज फादर्स परमिशन फॉर लेखक यानी राइटर पिता की परमिशन पिता की इजाजत आज्ञा किस चीज के लिए मांग रहे थे यानी उन्हें किस चीज के लिए परमिशन की आवश्यकता थी तो ये क्वेश्चंस हैं जब आप पूरे लेसन को पढ़ेंगे आप पूरी बुक को पढ़ेंगे और वीडियो को दो तीन बार सुनेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ जाएंगे सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन थैंक यू